Hello dear students, good morning. I welcome back you again my video lesson classes. I hope you are doing well and you got good marks in your September UT. So, you know dear, hard work is the key of the success. So doing work hard and get success in your life. Okay, so let's start today's lessons. Which one I have left on that day? ओके सो देखिए पार्ट नंबर सिक्स है डैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. वो जो कठोरतापन था वो आज भी मारिया के जीवन में दौड़ता है. इट वॉज द की टू हर बिगिन द वुमेन्स सिंगल क्रोन एट विडम्बल्स इन 2004. जब उन्होंने 2004 के अंदर विंबलडन टेनिस का जब खिताब जीता था तो वो सफलता की चाबी थी. एंड टू हर मैट्रिक राइज टू द वर्ल्ड्स नंबर ऑन द स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर. और संसार के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए उसके लिए क्या था भाई, ये एक चाबी थी. वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ द साइबेरिया. अब क्या कह रहा है भाई यहाँ पे कि जब वो बर्फीली मैदान से निकलकर साइबेरिया के उससे बाहर निकले टू द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस हैज टच्ड द हार्ट ऑफ द टेनिस फैन. क्या किया भाई, जब बर्फीली मैदान से निकलकर और जब संसार की जो टेनिस जगत के अंदर जो पहले स्थान के ऊपर जाने के बाद उसने जो टेनिस प्रेमियों के दिल को छू लिया था. फॉर द यंगेस्ट हैज सेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम्स फॉर द सेंटिमेंट्स. अब क्या कह रहा है कि उस जवान लड़की के जीवन के अंदर भावुकता नाम की कोई भी चीज नहीं था. द स्ट्रेट लुक्स उसका स्पष्ट दृष्टिकोण एंड द आंसर और जो उसने जो उत्तर दिया था से गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन. जब उसके एम्बिशन के बारे में पूछा गया था तो उसने जो स्पष्ट उत्तर दिया था मेक इट एम्पली क्लियर डेट द कंसाइडर्स द सेक्रीफाई वर वर्थ इट. कि जो इसने सफलता जो प्राप्त की है वो बलिदान की वजह से उसने इसे मुकाम तक पहुंची है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मैं बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी हूँ. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. और मैं जो चाहती हूँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हूँ. इट्स माई जॉब. ये मेरी ड्यूटी है. एंड दिस इज हर मंत्रा फॉर द सक्सेस. और ये मेरी सफलता का क्या है भाई, मंत्र है. थ्रो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन एसेंट. अब क्या कहते हैं कि जब मारिया शारापोवा बोलती है तो उसके शब्दों में से अमेरिकन जो एक्सेंट जो होते हैं वो निकलते हैं. शी प्राउडली प्रेडेज हर रूसियंस नेशनलिटी. और वो बड़े ही घमंड के साथ कहती है कि भाई मेरे पास क्या है, रूस की नागरिकता है. क्लियर ऑल डाउट्स. सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए सी सेज वह कहती है आई एम रूसियन. मैं रूसी हूँ. इट्स ट्रू डैट द US इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये बात सत्य है कि US है मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. बट आई हैव रूसियन सिटीजनशिप. लेकिन मेरे पास क्या है भाई, रूस की नागरिकता है. My blood is totally Russian. और मेरे खून totally रूस का है. I will play the Olympic for Russia if they want me. और मैं जो ओलंपिक के अंदर जब भी खेलूंगी तो मैं किसकी साइड खेलना चाहती हूँ भाई, रूस की साइड से ही खेलना चाहती हूँ यदि वो चाहते हैं. लाइक एनी नंबर ऑफ द टीनेज सेंटिनेशन. अब क्या कहता है कि जो दूसरे जो उसकी उम्र के जो लड़के हैं वो भावुकता के साथ मारिया शारापोवा लेट्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. अब मारिया जो शारापोवा है वो क्या कहती है कि उसकी कुछ हॉबीज है जिसके अंदर वो गाना गाना है, डांसिंग करना है. सी लव्स रीडिंग द नाउस ऑफ द ऑथर कॉनन डॉयल. और वो क्या पसंद करती है भाई, जो ऑथर जो कॉनन जो डॉयल है उसके नावल पढ़ना पसंद करती है. हर फाउंडनेस फॉर द सोफिस्टिकेटेड इवनिंग्स ग्राउंड्स अपीयर्स एट ओड विद हर लव्स ऑफ द पैनकेक्स विद चॉकलेट्स स्पीड एंड द फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. अब क्या कहती है, शाम के समय पर वो गाउन पहनना पसंद करती है और चॉकलेट लगा हुआ वो केक खाना पसंद करती है. किसके साथ भाई, जो सॉफ्ट ऑरेंज जो ड्रिंक है वो उसको पसंद करती है. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और द कैटरलाइज. अब क्या कह रहा है कि मारिया शारापोवा को कि उसकी जो काम को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है. हर टैलेंट उसका जो टैलेंट था अनवीरिंग डिजायर कभी भी समाप्त ना होने वाले उसकी इच्छा टू सक्सेस एंड रीडिंग टू सेटिस्फाई हर लिफ्टेड
टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसने जो सफलता जो प्राप्त की थी और जो बलिदान के लिए हमेशा वो तत्पर रहती थी, उसकी वजह से उसके जीवन को संसार के सबसे उचले पायदान के ऊपर ला दिया। फी वुड ग्रेडज हर द राइज सी इज नाउ रैपिंग, और कुछ लोग जो उसके ऊपर जो नफरत करेंगे क्योंकि जो उसने बोया था अब वो काट रही है, अर्थात जिसने जो सफलता जो इसने जो हार्ड वर्क जो किया था उसके लिए वो कार्य कर रही है। दिस इज़ व्हाट सी हैज़ टू से, ये वही था जो उसने कहा था अबाउट हर मॉनेटरी गेंस फ्रॉम द टेनिस, जो उसने टेनिस में सफलता प्राप्त की थी। आपको निसंदेह मनी इज़ अ मोटिवेशन, जो धन है उसके लिए प्रेरणा है। टेनिस इज़ ए बिजनेस, और टेनिस क्या है उसके लिए एक व्यवसाय है, एंड अ स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो इस संसार के अंदर टेनिस जगत के अंदर सबसे पहले कदम के ऊपर जाना, डेट्स द ड्रीम डेट कैप्ट मी गोइंग, ये एक ऐसा सपना है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाता है। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था, ये आपका लेसन नंबर 8 था, रीच ऑफ द टॉप। मैंने आज इसको कंप्लीट करवाया है, कल इसके जो पार्ट नंबर 2 है इसके किस तरह से लिखवाएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।